मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में जून 21 जून 2020 को होने वाले खंड ग्रह सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। ग्रहण के शुरू होने का समय मध्य समय और मोक्ष काल, साथ ही मैं इस ग्रहण के किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताऊंगा। इस सूर्य ग्रहण से आम जनजीवन, बाजार, भूभाग, जलवायु, देश की स्थिति आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सब जानकारी भी दूंगा। आप मेरा यह वीडियो शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखें। मैं दो राशि के बारे में यह भी बताऊंगा कि किस राशि के लिए नुकसानदायक है और किस राशि के लिए लाभदायक है, वो दो राशियां कौन सी है और यह इस वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि 21 जून 2020 का पंचांग कैसा रहेगा। दिनांक 21 जून 2020 रविवार का दिन आषाढ़ मास की अमावस्या दोपहर 12:10 तक रहेगी। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 1:02 तक रहेगा। फिर आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। गंड नामक योग दोपहर 1:46 तक रहेगा। फिर वृद्धि योग शुरू होगा। नाग नामक करण दोपहर 12:10 तक रहेगा। फिर किस्तुग्न नामक शुरू होगा। चंद्रमा दिन रात मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा। यह था आज का सूर्य ग्रहण के दिन का पंचांग। और अब मैं आपको आज के दिन की तीन खास बातें बताऊंगा। पहली बात यह है कि आज का दिन इस पूरे साल का सबसे बड़ा दिन है। इसके बाद कल से जो 21 जून आज का दिन है उसके बाद से दिन धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आज के दिन की खासियत यह है कि आज खंड ग्रास सूर्य ग्रहण भी है। और तीसरी बात बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने 13 मार्च 2020 के वीडियो में सूर्य का मेष राशि में गोचर के बारे में जानकारी दी थी और उस समय पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी जो है चारों तरफ से फैली हुई थी और भयानक मौत का तांडव मचा रखा था। पूरे विश्व में इस महामारी से बचने का कोई रास्ता या दवाई नहीं मिल रही थी और कोरोना का कोई क्या हाल होगा, कैसे रहेगा, कब ख़त्म होगा यह कोई नहीं जानता था। तो उस वीडियो में मैंने कोरोना के लिए कुछ बातें कही थी, वो आज सभी सही हो रही है यह देखकर मेरे को थोड़ा खुशी हुआ। और मेरे को कई लोगों ने, मैं तो भूल गया था लेकिन फ़ोन करके लोगों ने याद दिलवाया, इसलिए मेरे को आज यह याद आ गया। अब आज मैं इस सूर्य ग्रहण के बाद में कोरोना का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा यह बताना चाहता हूँ। तीसरी खास बात कि 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण के बाद में कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसका प्रभाव प्राय प्राय अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी इस कोरोना महामारी का जो दुष्प्रभाव है या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, इक्का दुक्का केस आते रहेंगे और इसको पूरा समाप्त होने में लगभग अभी भी 2 साल यानी कि 24 महीने के लगभग का समय और लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 21 जून का सूर्य ग्रहण किस प्रकार का होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस बार 21 जून का सूर्य ग्रहण रविवार को होगा और ये मृगशिरा नक्षत्र में होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में होगा और ये सूर्य ग्रहण खंड ग्रास होगा। यह ग्रहण दिन में 10:42 से शुरू होगा और इस ग्रहण काल का मध्य दोपहर 12:29 पर होगा तथा पूर्ण मोक्ष दोपहर 1:36 पर होगा। इस ग्रहण की पूरी अवधि लगभग 3 घंटे के आसपास की रहेगी। यह ग्रहण भारत में और आसपास के भूभाग के अलावा म्यांमार है, दक्षिण रूस है, मंगोलिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है,
थाईलैंड है, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, यमन, ओमान, दक्षिणी चीन का कुछ भाग, ताइवान में भी दिखाई देगा। लेकिन भारत में विशेष रूप से अगर देखें तो पोखरी, ऊखीमठ, अगस्त मुनि, चौपट, झेलम, टेहरी, चंबा, देहरादून, जगधारी, यमुनानगर, शरीफगढ़, कुरुक्षेत्र, थानेसर, नंदा देवी, नेशनल पार्क, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, अमरपुरा, जातन, सूरतगढ़, मेहरवाल, सिलवारा खुर्द, चमोली, जोशीमठ, पीपल कोटी, रुद्रनाथ, गोपेश्वर आदि में कंकणावर्ती ग्रहण दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक 20 जून रात्रि को 1:09 से शुरू होगा और 21 जून को जब 10:09 से शुरू ग्रहण होगा और उसके बाद में जब 1:36 पर यह ग्रहण पूर्ण होगा तब तक सूतक लागू रहेगा, मान्य रहेगा और सूतक के संबंधित जितने भी नियम हैं उन सब का पालन किया जाएगा। और जब 1:36 पर सूर्य ग्रहण का पूर्ण मोक्ष हो जाएगा तो सूतक भी समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण को मिथुन राशि और खास करके मृगशिरा नक्षत्र वाले ना देखें तो अच्छा, लेकिन इनके अलावा भी महिलाएं, नवविवाहित स्त्रियां, शादी की उम्र लायक लड़के और लड़कियां, उद्योगपति, मंत्री, धर्मगुरु, धर्मनेता के लिए भी देखना शुभ नहीं है। गर्भवती महिलाएं तो इस ग्रहण का बहुत ज़्यादा पालन करेंगे, ना देखेंगे और इसकी छाया में ना आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव बुजुर्ग नेता के लिए अच्छा नहीं होगा, कोई बड़ी हानि होना संभव है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस सूर्य ग्रहण के बाद में संभावना ऐसी बनती है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप और जल प्रलय की संभावना बढ़ जाएगी। कुछ क्षेत्रों में लूटपाट और आगजनी या फिर छोटी मोटी कोई बम विस्फोट की घटना हो सकती है, बड़ा कोई जनहानि करने वाला एक्सीडेंट आदि की संभावना ऐसी जगहों पर बढ़ेगी। जिन जगहों की या देश, राज्य, शहर आदि का नाम मिथुन, करक, वृश्चिक, मीन राशि से शुरू होता है, खास करके अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है और स्थिति को भी कंट्रोल करने में प्रशासन को भी भारी बल का प्रयोग करना पड़े, इस प्रकार की स्थितियों का सृजन होने की पूरी संभावना है। इस सूर्य ग्रहण का असर कुछ खाद्यान्न पदार्थों पर भी पड़ेगा, जिसमें विशेषकर ग्वार है, ज्वार है, मक्का है, तेल है, कपास है, रुई है और बाजरा है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, मूंगफली है, बिनोला है, जूट है, चावल है, बारदाना है, मूल, केसर, पुस्तक, पत्र, पत्रिका, प्रकाशन पर इस ग्रहण का प्रभाव अच्छा रहेगा। और इस प्रकार के या इन चीज़ों का जो व्यापार करते हैं या काम करते हैं उन लोगों को या उन व्यापारियों को यह ग्रहण शुभ रहेगा और व्यापारी इस प्रकार के काम करने वाले जो हैं वह लाभ में रहेंगे। अब देखेंगे कि 21 जून 2020 रविवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में होने वाले इस सूर्य ग्रहण का असर किस राशि पर शुभ और किस राशि पर अशुभ रहेगा। तो पहले तो मैं आपको छोटे रूप में ही जानकारी दे देता हूँ कि मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों के लिए इसका कोई अच्छा या बुरा फल नहीं रहेगा या सामान्य रहेगा। लेकिन मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन चार राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है अशुभ फल देने वाला रहेगा। अब इसी बात को, राशिफल को मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझा देता हूँ कि मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण क्या और कैसे फल देगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की, और मेष राशि के लिए यह जो सूर्य ग्रहण के बाद में जो महीना रहेगा
उस महीने में प्राय प्राय सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी और आगे बढ़ने के रास्ते में अभी तक अगर कोई अड़चन आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण विपरीत फल देगा, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में आप अपना मान सम्मान बनाए रखें, अपनी आवश्यकताओं को भी सीमित रखें, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण खुद की राशि में ही आपकी राशि में ही हो रहा है, इसलिए यह आपके लिए विशेष हानिकारक रहेगा। संभल कर और सावधान रहें। आने वाले कुछ दिनों में कोई छोटी मोटी दुर्घटना या किसी से झगड़ा होने की संभावना बन रही है या बनेगी। कर्क राशि देखते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए 12वें खर्च स्थान में सूर्य ग्रहण का होना स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए धन पद संपत्ति की हानि हो सकती है। आपको अपनी मन और वाणी और विचारों को शुद्ध रखने की जरूरत है। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो अच्छा रहेगा और क्योंकि यह ग्रहण आपके लिए लाभ स्थान में हो रहा है और इसका असर इतना होगा कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े सौदे होने का या फिर कोई बड़ा काम बन जाने की खुशी आपको मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण है जो कुछ खास संकेत और मायने रखता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध की मिथुन राशि में ही यह सूर्य ग्रहण 10वें क्रम स्थान में हो रहा है, इसलिए आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और इन अवसरों को आप चूकना नहीं, अगर चूक गए तो काफी लाभ से और सफलता से वंचित हो सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण भाग्य स्थान में होने के कारण भाग्य में रुकावट और कार्यों में असफलता, बाधा, तनाव युक्त माहौल मिलने का योग है। इस समय आपको झगड़ों और कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहना पड़ेगा। किसी से भी झगड़ा ना करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम मृत्यु स्थान में ग्रहण हो रहा है, जो कि 12 राशि में सबसे ज्यादा अशुभ अगर किसी को फल देगा तो यह वृश्चिक राशि वालों के लिए है। अपनी वाणी और व्यवहार में गिरावट आ सकती है आपके, और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़े ऐसे योग बन रहे हैं, इसलिए कम से कम 27 दिन तक आप संभाले। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए सप्तम स्थान के ग्रहण को आप अपने दाम्पत्य सुख में कमी या कोई अनहोनी घटना या फिर आपसी तकरार से जोड़कर देख सकते हैं। अगर धैर्य और सहनशीलता रखेंगे तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। समय साधारण रूप से बीत जाएगा और आपकी समझदारी धैर्य आपके काम आएगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 6ठे स्थान में सूर्य का ग्रहण शानदार, उन्नति कारक और शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके प्रयासों का लाभ मिलेगा, लेकिन एक बात यहाँ है कि आपको हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी तो इसका लाभ मिल जाएगा और सबके साथ में आपको मित्रवत व्यवहार करने का लाभ भी मिलेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम संतान स्थान में यह ग्रहण आपको हौसला कम करने वाला और बाहरी लोगों के दबाव के बीच में बीतेगा। संतान को कुछ तकलीफ हो सकती है, खासकर इस राशि की गर्भवती महिलाएं ज्यादा सावधान रहें, सहनशीलता बढ़ाएं तो ठीक रहेगा। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण 4थे स्थान में हो रहा है, यह आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ हेर फेर और बदलाव और तनाव का संकेत दे रहा है। इसको दूसरे रूप में अगर देखें तो यह तनाव से चिंता और बीमारी का, यह जो तनाव है आपके लिए चिंता और बीमारी का कारण भी बन सकता है, इसलिए इस आने वाले 27 दिनों तक कम से कम आप अपने व्यवहार को, वाणी को और सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और अच्छा रखें। यह था आज के वीडियो में सूर्य ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि इस ग्रहण के बारे में सब लोग जान सकें और जागरूक होकर
रह सकें। जल्दी ही मैं अगले वीडियो में और किसी ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा कि उस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक जय जिनेंद्र।